हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आप लोग की जो क्वेरी थी कि स्टॉक्स एनालिसिस बनाने का, स्टॉक्स एनालिसिस बहुत सारे क्वेरी हैं कि स्टॉक एनालिसिस बता के बताइए कि उस पर कैसे बाय सेल करें। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आपकी इस आपकी ये भी विशेष को पूरी कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ कि ये जो पूरी कैलकुलेशन हुई है, कैसे कैलकुलेशन हुई है, क्या हम भी कर सकते हैं, क्या जब हम काउंटिंग करते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आता है इम्पल्स की और दूसरा पार्ट आता है करेक्शन की। सबसे सिंपल होता है इम्पल्स की काउंटिंग और सबसे टफ क्या होता है करेक्शन की काउंटिंग। तो मैं दोनों को कवर करूंगा आज, ठीक है, इस वीडियो में दोनों कवर होंगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगेन इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऐसे इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है कि आपको यहां पर वेव्स की सारी मिसकॉन्सेप्शंस जो दिमाग में भरा पड़ा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम वैसा नहीं कर सकते हैं, तो जब हम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते तो कैसा कर सकते हैं, उसके सारे डिटेल्स में यहां पर डिस्क्राइब करता हूं, एक्सप्लेन भी करता हूं उसको। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। ये है कैप्स का एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम लिया गया है और इस पर देखोगे तो मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है इसको कैसे, इसको मैं इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे इसकी स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसको मैंने पूरे बॉटम से लिया है, मतलब जहां से प्राइस चली है वो एग्जैक्टली मैंने इसको यहां से लिया हुआ है। एक मिनट, तो हमने इसको आप देख सकते हो कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया हूँ पूरे काउंटिंग को। अब कोई भी काउंटिंग पहले करेक्शन स्टार्ट होती है तो हमने ए बी सी इसको रखा है, इसको सी है, मतलब यहीं से जो मूव है स्टार्ट हुई है। तो आप देख सकते हो इस पूरे को, इस पूरे इम्पल्स को, इस वाले इम्पल्स को हमने 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद ए बी सी डाला हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है इसको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया हूँ कि ये जो फ्लैट करेक्शन है तो ये सी यहाँ पर फेलियर हुई है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 2nd डिग्री और हम 3rd डिग्री में, जो मेजर 3rd डिग्री है उसमें हम कितना काउंटिंग किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और देन 5, 3rd डिग्री कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आप देखोगे तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है आपका चैनल, सॉरी ये है आपका ट्रायंगल। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करेंगे कि बहुत लोगों के दिमाग में चलेगा कि आपने इसको ए बी सी, आपने सी सो क्यों नहीं रखा, तो आप भाई मेरे अगर हम इसको सी पॉइंट रखेंगे तो उसके बाद इसको 1 रखना पड़ेगा, इसको 2 रखना पड़ेगा और इसको 3 रखना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी इम्पल्स 3 मूव में नहीं आनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग टॉप देखें तो उसको इम्पल्स कंसीडर कर दिया, बॉटम देखे उसको करेक्शन कंसीडर कर दिया, ये गलत है। अगर आपके इम्पल्स में 5 मूव नहीं है या सिंगल मूव नहीं है तो वो इम्पल्स ही नहीं है, और आपके अगर करेक्शन में 3 मूव नहीं है और 2 मूव है या फिर 4 मूव है तो पार्ट है वो, मतलब या तो इनकम्प्लीट है या तो वो इम्पल्स का पार्ट है। ध्यान रखना, बहुत सारे मिस्टेक्स आप लोग करते हो, मैंने देखा है, बट उसको सुधारो, ऐसा नहीं चलता ना। तो यहाँ पर इसीलिए इसको ये आपका ट्रायंगल ही है, तो 1, 2, 3, 4 का ही हमारा जो मूव बना हुआ है, ये जो चौथा वेब है ये यहाँ पर चौथा वेब जाएगा, ये चौथा वेब यहाँ पर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जितनी डिग्रियाँ हैं 1, 2, 3 सॉरी ये सबॉर्डिनेट्स हैं इसके, इस वाले इसके सबॉर्डिनेट्स हैं ग्रीन वाले के, तो ग्रीन वाला जो सबॉर्डिनेट है ये 5th वेब में गया हुआ है। आप इसमें देख सकते हो एक चीज़, आप जस्ट 1 मिनट, कि यहाँ पर दो चीज़ें बराबर हैं, एक तो पहला वेव 1st वेव और आपका 3rd वेव, दो इम्पल्स आपके बराबर हैं, तो हमारी 2 डिग्री कंप्लीट हो गई, सॉरी हमारी 1 डिग्री कंप्लीट हुई, ये वाली डिग्री है। और इस वाली डिग्री का ये पिंक वाले सबॉर्डिनेट्स हैं और पिंक वाले का ये ब्लैक वाले सबॉर्डिनेट्स हैं। अब बारी आती है कि 2nd वेव, 2nd वेव का जो फॉल है बहुत वर्टिकल फॉल है, इसको 1 रखा है, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और देन 5, तो हमने इसको ए रखा, ये जिगजे का फॉल आ रहा है इसीलिए इसको ए रखा हुआ है। इसके बाद प्राइस हमें लग रही है कि 38.2% तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मैंने लगाया है, तो 38.2% मतलब 3000 के आसपास एक भाव एक बार जा सकता है, और वहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी बनाकर क्या कंप्लीट करेगा, ए और ये बी कंप्लीट करेगा।
अब बी जब कंप्लीट करेगा तो वहां से मुझे लग रहा है कि इसको स्पीड नहीं मिलेगा, अगर स्पीड नहीं मिलता तो फिर से एक वर्टिकल फॉल दे सकता है, तकरीबन फिर से वो 2000 के रेंज में आ जाएगा, 2200-2000 के रेंज में आएगा। और जब ये 2200-200 के रेंज में आता है ना तो इतना बढ़िया बाई बनेगा ना कि यही टाइम ऐसा होगा जिसे हम एक्युमुलेट करेंगे, और जैसे हम लोग एक्युमुलेट करेंगे ये दूसरी डिग्री कंप्लीट करेगी, इसके बाद वो प्राइस आसमान छूने लगेगी, ध्यान रखना। तो ये जो कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि अगर इसको बाई करना है, मतलब इसको यहाँ पर अगर हम बाई, ये एक्चुअली बाइंग है, ठीक है, अगर अपसाइड जा रही है ये तो आपको ये बाई करके चलो, मतलब यहाँ तक तो 3000 तक बाई करो, लाइट करना है बाई तो यहाँ तक लाइट बाई करो, और प्राइस नीचे के साइड में आती है तो आप इसको एक्युमुलेट और करो। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो स्टॉप लॉस बनेगा, जो मैक्सिमम जो डाउन साइड आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1844 का लो लग सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आना शुरू कर देती है तो आपको थोड़ा सा खतरे घंटी है, आप इसको निकालना पड़ेगा, और अगर ये बच गया फिर तो आपको ये बल्ले बल्ले करा सकता है, मतलब ये जो थर्ड वेव है ये तकरीबन आपको यहाँ तक 5000 प्लस होगा, ये ऐसा अनुमान दिख रहा है, क्योंकि जिगजैग के बाद जो प्राइस का जो फॉल आने वाला है वो बहुत जो इम्पल्स का जो मूव आने वाला बहुत तेज आने वाला है, तो आप इसको नज़र में रखो। मैं बहुत कोशिश किया हूँ आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताने का, और ऑलमोस्ट वैसा चला भी है, ठीक है। तो आप इसमें क्या सीखे हो, इस पर क्या जाने हो, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और हम उसको बाकायदा रीड करते हैं, कोशिश भी करता हूँ उसको मैं एक्सप्लेन करने का, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।